ऑलराइट गाइस, सो मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो रनर्स होते हैं उनके यूजुअली नेइंग में, एंकल में या फिर बॉडी में बड़ा पेन रहता है रनिंग के बाद। एक दिन मतलब रनिंग करी आज, फिर सो गए, सो के जब उठे तो बहुत दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को रनिंग के इमीडिएट बाद होता है, कुछ लोगों को होता है कि उस दिन तो नहीं होता, जिस दिन कर लिया वर्कआउट अगले दिन जब सो के उठते हैं तो बहुत दर्द होता है। किसी की नी में हो जाता है, किसी के एंकल में हो जाता है, किसी की बॉडी मसल्स में हो जाता है, थाइज में हो जाता है, आर्म्स में हो जाता है, चेस्ट में हो जाता है। तो क्यों ये दर्द होता है, कैसे हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये हमें आगे फ्यूचर में ना हो, उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। गाइज, अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हो तो ये वो चैनल है जहाँ पे रनिंग से रिलेटेड आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपका कोच आपको ना दे। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना। गाइज, अगर आपको कोई सवाल है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे गाइज फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ पेन की तो वो क्यों होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो फटती हैं, जैसे ही जिम करके फटती हैं वैसे ही रनिंग करके भी फटती हैं, और इवन हमारे जो नी में जो टेंडन होता है उसमें भी हल्का फुल्का डैमेज आता है रनिंग के बाद, जो कि जब हम डाइट लेते हैं सोते हैं तो वो रिकवर जाता है। मगर कभी कभी वो इतना सीरियस हो जाता है नी में या एंकल में कि वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता और उसकी वजह से वहाँ सोरनेस होती है, वहाँ पेन हो जाता है। मसल्स की बात करें तो मसल्स तो फटती हैं। अब गाइज, रनिंग में ये नहीं होता कि सिर्फ पैरों की जान लग रही है या सिर्फ हाथों की जान लग रही है, ठीक है, पूरी बॉडी की जान लगती है। जिनको नहीं पता, रनिंग करते वक्त बॉडी की एक एक मसल यूज़ होती है। 95% बॉडी की सारी मसल्स जो होती हैं, 95% मसल्स यूज़ होती हैं रनिंग के दौरान, और कुछ मतलब कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि 100% पूरी बॉडी यूज़ होती है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो कि अगर आपकी मसल्स वीक हैं तो आपकी मसल्स जो इतना जो हार्ड कोर जो ट्रेनिंग होती है एथलेटिक्स की, हम सब जानते हैं 1.5-2 घंटा ग्राउंड में, उसको एंड्योर नहीं कर पाएंगी आपकी मसल्स अगर वो वीक हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को, अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसमें हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, पहले एक टाइम होता था 1960s, 1950s और लाइक अर्ली 1970s की एथलेटिक्स में, रनिंग में लोग उतना जिम नहीं करते थे, ठीक है। तो आप उस टाइम के स्प्रिंटर्स को देखोगे तो वो उतने मस्कुलर नहीं हुआ करते थे, मगर जब 1980s आया, कार्ल लुइस को अगर आप देखें, बेन जॉनसन को देखें 1980s 1990s में, फिर माइकल जॉनसन आए, ठीक है, यूसेन बोल्ट, और आज की डेट में तो योहन ब्लेक, जितने भी स्प्रिंटर्स हैं, क्रिस्टिन कोलमैन, जस्टिन गार्टलिन, जितने भी वर्ल्ड लेवल के स्प्रिंटर हैं, आप उनकी बॉडी देखोगे तो आपको देखोगे ये लोग कितने मस्कुलर हैं। क्यों? क्योंकि गाइज ये लोग जिम करते हैं। अब आप बोलोगे जिम करने से तो और दर्द होगा शरीर में, ऐसा आपको लगता है गाइज। बेसिकली आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी एंड्योर कर पाएगी, सह पाएगी। जितनी ज़्यादा मसल्स आपकी बॉडी में होंगी उतनी हार्ड कोर ट्रेनिंग वो सह पाएगी। तो जब आप जिम करते हो तो आपकी मसल्स बनती हैं, जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स होंगी आपकी सहने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो फिर आपके शरीर में उतना दर्द नहीं होगा। इसलिए आजकल के जो स्प्रिंटर्स हैं वो बहुत जिम करते हैं और वो इतने मस्कुलर होते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा मसल्स हैं, तो वो ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेंगे और उनको उतना दर्द नहीं होगा। मगर एक और चीज़ है इसके साथ, और वो ये है, क्योंकि अगर नी की और एंकल की बात करें रनिंग से पहले, आप में से बहुत लोग, अगर यूसेन बोल्ट की अगर आपने बायोग्राफी देखी हो, ठीक है, या रनर्स का अगर आपने, जैसे वर्कआउट के पहले वो क्या करते हैं देखो, वर्कआउट के बाद क्या करते हैं, जब वर्कआउट हो जाता है फील्ड से निकल के, गाइस ये लोग मसाज करवाते हैं या तो खुद करते हैं, या तो इनके पास कोई होता है, या तो इनका कोच होता है, या फिर इनके पर्सनल अपने पास कोई रखते हैं मसाज थेरेपिस्ट जो इनकी मसाज करता है वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। क्यों? क्योंकि गाइस जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उसमें गांठें भी बन जाती हैं, ठीक है गाइस। जिम में भी जब वर्कआउट करते हैं और रनिंग में भी जब वर्कआउट करते हैं, हमारी गांठें बन जाती हैं मसल्स की, जो अगर खुली नहीं मसाज के थ्रू वो खुल जाती हैं, वो नॉट्स बन जाते हैं। अगर वो नॉट्स नहीं खुले बहुत दर्द हो और होता है, और इसीलिए दर्द होता है। हमारी जो एंकल है ना, अच्छे से एंकल में, नी में मसाज ये लोग करवाते हैं रनिंग से पहले और रनिंग के बाद भी, जिससे कि वो दर्द, मतलब वो जो वहाँ पे जो इंजरी, जो थोड़ा बहुत जो भी जो उधर डैमेज हुआ है बेसिकली, वो रिकवर हो सके। एंकल के बीच में जो भी टेंडन है जब उसमें मसाज जाती है तो उधर क्या होता है कि जब स्ट्रेन पड़ता है तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, सोरनेस हो जाती है, उधर क्लॉट बन जाता है, तो उसको खोल देते हैं मसाज के थ्रू। नीज में, एंकल में अच्छे से मसाज करी जाती है ताकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो वापस अच्छे से बने और उधर जो सोरनेस है वो हटे।
इसलिए गाइस जब आप मेरे बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अब सबके पास तो कोई पर्सनल मसाज थेरेपिस्ट नहीं होगा, तो आप लोग क्या करो, वर्कआउट के बाद अपनी मसाज करो, अपना तेल ले लो। मैं भी अपने पास एक तेल रखता हूँ, मैं तो इस तेल से कर लेता हूँ। ये है हर्बल बॉडी ऑयल सैंडल विथ ऑलिव नीम एंड हल्दी। तो ये आता है गाइस अराउंड 60 रुपये का, और ये आराम से मेरा महीना भर चली जाता है। तो मैं इससे अपने पैरों की, अपने हाथों की डेली मसाज करता हूँ। अगर आपको ये ऑयल लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेज़ोन से ही आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये ऑयल है। आप और भी कोई ऑयल यूज़ कर सकते हो, ये बेसिकली बॉडी ऑयल है तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आप कोई भी और बॉडी ऑयल यूज़ कर सकते हो और उससे अपनी मसाज कर सकते हो, जिससे कि आपका वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो रेडी हो जाए और उसमें कोई क्लॉट ना हो ब्लड का, और पेन ना हो और सोरनेस ना हो। तो ये आप कर सकते हो मसाज, और दूसरा जिम, क्योंकि बहुत लोग जो हैं रनर्स वो जिम नहीं करते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि जिम में क्या करना है, तो मैं एक जिम प्लान का भी वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे जिम करना है और कितना जिम करना है। तो आप डेली वैसे जिम कर सकते हो, डेली या वीकली बेसिस का, हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन, हिसाब से डिपेंड करता है आप 100 मीटर के रनर हो या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, सबका वर्कआउट प्लान अलग होता है। तो मैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आपको अपनी सेल्फ मसाज करनी है, जिससे कि आपकी जो मसल में सोरनेस है, इंजरी है, वो प्रिवेंट हो सके। वर्कआउट से पहले करनी है और वर्कआउट के बाद भी करनी है। उसके साथ आपको अब जिम करना भी स्टार्ट कर दो गाइज। कुछ लोग जिम नहीं करते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिम करना स्टार्ट कर दो। जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी उतनी ही बॉडी की सहने की शक्ति बढ़ जाएगी, एंडोर करने की शक्ति बढ़ जाएगी बॉडी की। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू फॉलो मैन इंस्टाग्राम गाइज। कोई डाउट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन मैं भी पूछ सकते हो, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। एक बार फिर मिलेंगे गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।